तो एमसीयू का फेस वन एंड हो चुका है और फेस फाइव को स्टार्ट होने में भी कुछ टाइम बाकी है, तो मुझे लगा ये परफेक्ट टाइम है यहाँ पर एमसीयू के फेस फोर के रिव्यू करने का। तो यस व्हाट्सअप बडीज, इस वीडियो में मैं एमसीयू के फेस फोर का रिव्यू करने जा रहा हूँ कि ये वाला फेस फोर कैसा था, इसमें क्या क्या चीजें अच्छी थी और क्या क्या चीजें काफी ज्यादा बुरी थी, और यहाँ पर मैं इसके फेस फोर को इसके फेस वन टू और थ्री से भी कंपेयर करूंगा। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी करिएगा, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना टाइम इसके लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पर एमसीयू के फेस फोर के बारे में बात कर रहे थे। अब इसके टोटल फेस फोर में हमें 18 प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर इसके फेस फोर की स्टार्टिंग होती है, अगर यहाँ पर बात करूँ 2021 से, इसकी हमें सबसे पहला जो प्रोजेक्ट देखने को मिलता है उसका यहाँ पर नाम होता है वांडा विजन, और यहाँ पर एंडिंग होती है इसके गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल से। तो यस हमें इस टोटल दोनों प्रोजेक्ट्स के दरमियान इनको मिला के 18 प्रोजेक्ट्स देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर जो एक चीज़ है ना जो कि एमसीयू फेस फोर को अलग बनाती है पिछले तीनों फेस से, वो ये कि यहां पर ये एक एक्सपेरिमेंट फेज था। यस यहां पर अगर आप लोग ने भी हाल इसका प्रोजेक्ट देखा होगा, आप लोग भी ये वाली बात समझ गए होंगे कि मार्वल वालों ने इस वाले फेज में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। यहां पर उन लोगों ने एक ऐसी न्यू चीजें ट्राई करने की कोशिश की है कि हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं फैंस का इस पर रिस्पॉन्स कैसा आता है, उसके बाद ही हम इस वाली चीज को आगे लेके चलेंगे। तो यस यहां पर मार्वल वालों ने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट की है इस वाले फेज में, जिसको मैं यहां पर बिल्कुल भी बुरा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि देखिए यहां पर एक बात याद रहे, अवेंजर एंड गेम के बाद ये मार्वल वालों के लिए काफी ज्यादा बड़ा चैलेंज था कि यहां पर अब थैनोस जैसा विलन दिखाना, यहां पर एवेंजर्स एंड गेम की लेवल की मूवीज को दोबारा से बनाना। तो यस यहां पर एमसीयू फेज 3 के बाद उसी लेवल में एमसीयू फेज 4 को भी लेके चलना, ये इनके लिए काफी ज्यादा बड़ा चैलेंज था। तो अब यहां पर इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या ये वाला एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है या नाकाम हुआ है। अब देखिए यहां पर एमसीयू फेज 4 के प्रोजेक्ट्स जो है ना कुछ काफी ज्यादा अच्छे थे, जिनको पर्सनली मैंने भी काफी ज्यादा अच्छा रेट किया। यहां पर अगर मैं सबसे पहले बात करूं, वांडा विजन का नाम शामिल है, लोकी माय बेस्ट सीरीज ऑफ द एमसीयू सो फार, यहां पर शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ 10 रिंग्स, स्पाइडरमैन नो वे होम, मून नाइट, वेयरवुल्फ बाय नाइट, ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर, और यहां पर व्हाट इफ का सीजन 1 भी काफी ज्यादा उसमें अच्छा था। तो यस ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट थे ये मुझे इनके फेज 4 में अच्छे लगे कि यस मार्वल वालों ने अगर मैं बात करूं कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया, कुछ अलग भी किया तो काफी अच्छा किया। और यहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स मुझे बस नॉर्मल से ही लगे, ना ज्यादा अच्छे थे ना ज्यादा बुरे थे। इनमें यहां पर फैल्कन द विंटर सोल्जर, इटर अच्छी लग सकती थी अगर वो यहां पर जो है ना ट्रेलर में काफी कुछ रिवील ना करते। यहां पर मिस मार्वल भी शामिल है, आई एम ग्रूट भी शामिल है, यहां पर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल की। तो यस यहां पर ये जो प्रोजेक्ट थे यहां पर मुझे ठीक ठाक से लगे, और यहां पर कुछ तो ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि बुरे लगे, यहां पर थर लव एंड थंडर, दूसरा यहां पर शी हल्क। यहां पर शी हल्क को बनाने का क्या मकसद था मुझे तो वो समझ ही नहीं आज तक आ रहा, अगर आप लोगों को पता है मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। यहां पर उसको एक एज अ मूवी भी बना सकते थे अगर हमें उसका सकार का एलिमेंट दिखाना था। तो यस यहां पर ओवरऑल अगर मैं बात करूं एमसीयू में, एमसीयू के फेस फोर में कुछ प्रोजेक्ट्स यहां पर काफी ज्यादा अच्छे थे और कुछ प्रोजेक्ट्स यहां पर काफी ज्यादा डाउन थे, जिनको फैंस ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। और यहां पर मार्वल वालों ने इस फेस फोर में न्यू कैरेक्टर्स भी हमें इंट्रोड्यूस करवाए, अगर मैं बात करूं मून नाइट हो गया, यहां पर शी हर्क हो गया, यहां पर मिस मार्वल हो गई। इसके अलावा हमें काफी ज्यादा ऐसे जो कैरेक्टर्स देखने को मिले उनकी मार्वल ने एक स्पेशल डेडिकेटेड सीरीज बनाई थी कि यहां पर हम इन कैरेक्टर्स को इस वे में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिससे एक बात तो साबित हो गई कि यहां पर मार्वल वाले जो अब जा रहे हैं वो जा रहे हैं क्वांटिटी ओवर क्वालिटी में। यस यहां पर अगर मैं आप लोगों को एवरेज बताऊं, हर 8 महीनों में हमें 7 जो है मार्वल के प्रोजेक्ट्स देखने को मिले हैं। आप खुद यहाँ से अंदाजा लगा लें कि 8 महीनों में 7 एमसीयू के प्रोजेक्ट देखने को मिले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ पर बिल्कुल इस फेज 4 को मैं इसलिए अलग रख रहा हूँ, अगर मैं इसके पिछले तीनों फेज से कंपेयर करूँ उसमें जब कोई हमें प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाला था उसके लिए इतनी ज़्यादा हाइप बन जाती थी, फैंस एक्साइट हो रहे थे, रूमर्स फैलाना स्टार्ट कर देते, इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है। अब यहाँ पर वो वाला मज़ा नहीं रह रहा क्योंकि हर एक महीने बाद तो हमें कोई दूसरा प्रोजेक्ट देखने को मिला है। तो आई होप मार्वल वाले जो है ना इस चीज़ पर फोकस करेंगे, और यहां पे उनके अपडेट भी निकल कर आई है कि वो इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि एमसीयू का जो फेज 5 होने वाला है, फेज 6 होने वाला है, इसमें वो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पर ही फोकस करेंगे। तो अब यहां पर मैं ओवरऑल फेज 4 का रिव्यू करूं तो ये वाला फेज 4 मुझे ठीक ठाक से लगा। अगेन यहां पर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट एमसीयू को इस बात पर दे रहा हूं कि ये उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। हम यहां पर ये नहीं कह सकते कि उन लोगों ने अपनी तरफ से जो है बिल्कुल ही फजूल किस्म का एक फेज बना दिया। यस अगर मैं इसको फेज 4 को कंपेयर करूं तो इसके फेज 1 2 और 3 से तो नीचे
नीचे ही मैं इसको रखूंगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें इसमें वो कहते हैं ना एक अलग फैक्टर नहीं देखने को मेरा जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं स्व एक दो मूवीज़ के, जिसमें यहाँ पर स्पाइडरमैन नो वे होम को अगर मैं यहाँ पर मैं साइड में रख देता हूँ। तो यस, यहाँ पर मैं इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे बस ठीक ठाक से ये लगा। और यहाँ पर ये जो फेज़ फोर था, ये बिल्डअप था फेज़ फाइव के लिए। अब यहाँ पर आप फेज़ फाइव में जो भी देखेंगे ना, अब यहाँ पर आपको न्यू चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि मार्वल वालों को भी एहसास हो चुका होगा कि यार भाई साहब फेज़ फोर में हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो बस इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। मार्वल फैंस जो है वो क्वालिटी को प्रेफर करते हैं ओवर क्वांटिटी को। आप लोग भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं आप लोगों का इस फेज़ फोर के बारे में क्या ख्याल है, आप भी अपना रिव्यू मुझे कमेंट में दे सकते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा आप लोग भी अपना मुझे रिव्यू कमेंट में दें, मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है एमसीयू का फेज़ फोर कैसा था, क्या ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था या काफ़ी ज़्यादा बुरा था। तो बस अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।